आज हम सीखेंगे कच्चे पपीते का पकौड़ी बनाना इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे इसमें कद्दूकस रखेंगे और इसमें कच्चे पपीते को छील रखी हूँ कच्चा पपीता हमें दो कटोरी चाहिए अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे पपीता हमारा कद्दूकस हो गया है अब पानी गरम करेंगे इसमें सारे कद्दूकस किए हुए पपीते डाल देंगे और इसको दो मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे अब ये पपीता बॉईल हो गया है इसमें हम बेसन डालेंगे बेसन हमें थोड़ा थोड़ा डालना है पकौड़ी के लिए अब हम इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और इसमें हम हींग डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे अभी हम इसमें थोड़ा और बेसन डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अब हम एक कढ़ाई लेंगे इसमें तेल गरम करेंगे और इसमें ये पकौड़ियाँ डाल लेंगे आपको जैसा भी सेब देना है पकौड़ी का आप दे सकते हो और हम इसको तल लेंगे इसको हम मीडियम आंच पे तलेंगे सारे पकौड़ियों को पकौड़ी हमारा तल के तैयार हो गया है अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे